ऊपर नहीं जा सकता यार, मेरे को जानवर जुनवरों का डर है। मम्मा क्या करना है? चलो हैं? देखो धुंध कितनी ज्यादा पड़ी है, कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। जम्मू कश्मीर की इन खूबसूरत वादियों में दोस्तों आज का व्लॉग मैं बहुत ज्यादा लेट स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी 5 बज रहे हैं शाम के, और मैंने पिछला व्लॉग भी 4 बजे आज अपलोड किया। उसके पीछे यार रीजन है कि सुबह से ना लाइट ही नहीं थी, और एक तो देखो पहाड़ों में कितनी ज्यादा ठंड हो रखी है, इतनी ज्यादा धुंध पड़ी है ना मैं क्या बताऊँ। वो ठंड आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी ज्यादा होगी। 12-1 बजे करीब मैंने पशु खोल लिए थे, मैंने सोचा कि घर में भी क्या करना है, उसके बाद मैं अभी पशु लेके आ गया हूँ। और आज ना हमारे संक्रांत है, तो काफी ज्यादा बुआ बुआ और आ रखे थे। बाकी एक बुआ तो अभी मेरी इधर ही है, वो भी अभी घर जाने वाली है। तो चलिए नीचे चलते हैं यार, इधर ना इतनी ज्यादा ठंड है, क्या करना यार ठंड में। वो देख लो बुआ को गाइस पन्नी दे रहे हैं, और बुआ ने पन्नी फाड़ दी। ना वो जज नहीं आना, तेरी अंगा बड़ी ठंड है। सुना पैसे के देखो इनकी, देखना दोस्तों बुआ के पैसों की बात कर रही है। आज रहो आप हमारे घर। तो दोस्तों बुआ आती है ना, पता नहीं यार कितने बजे आती है, और चली ही जाती है, कोई आधा घंटा रुकती है हमारे घर बस, कभी भी नहीं रुकी। आपने भी इतने सारे व्लॉग देख लिए मेरे, कभी रुकी हमारे घर बुआ? आज रुक जाऊंगा, मेरे को दे दो। ये देखो दोस्तों दादी ना ऐसा, ये वो क्या बोलते हैं इसको डोगरी लैंग्वेज में, फुग्गा, पता ऐसे नहीं मेरे को पता दोस्तों क्या बोलते हैं इसको। मम्मा दे दो दूसरा मेरे को, वो बनाया तिल का, वो अच्छा होता है यार, ये वाला मेरे को अच्छा नहीं लगता है। क्या मेरा एक तो है, हाँ जी 3-4 तो है, एक मेरा तो, एक तो मेरा है पापा को। तो आपका तो वो होती है ना रोड़ी सी। दोस्तों खा लो आप लोग भी, बाकी मम्मा से डांट खा के लिए पर खा लो यार। चले गए दोस्तों बुआ देखो, और अभी मेरे को कुछ भी काम नहीं है, इसको खाते खाते एक राउंड हम लोग ना खेत में मार के आ जाते हैं। कैसी हो रही गेहूँ? तो देखिए हमारे जो कल की बारिश हो रखी है ना, देखो पूरे ज्यादा खेत गीले हैं। तो सही है, इतनी बारिश चाहिए थी, अभी नहीं चाहिए हम लोगों को बारिश, लेकिन भगवान का क्या पता यार कब बारिश हो जाए। दोस्तों मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो इन खेतों में कितनी ज्यादा गेहूं है, उस खेत में भी, उस खेत में भी, उस खेत में भी, और उसके नीचे देखो कितनी कम कम गेहूं है, और नीचे बिल्कुल ही खत्म है, गेहूं है ही नहीं। क्योंकि ये खेत में ना हम बोते रहते हैं, काफी ज्यादा गोबर फेंकते रहते हैं, और इतना कुछ फेंकते हैं ना इसमें, मतलब कि गोबर ही, देखो ये जो गोबर लगा है ना ये इन्हीं 3-4 खेतों में ही जाएगा। और अब मैं इसके नीचे तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि काफी ज्यादा ठंड हो गया है। देखो मम्मा भी खजूर करेगी, देखो इतनी ज्यादा ठंड में, और इसमें पता कितने ज्यादा कांटे हैं ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, ये पूरे कांटे कांटे। आजकल हमारे घर के सामने आपको इतने सारे फूल दिखेंगे ना, अभी तो लगना स्टार्ट ही हुए, अभी आगे बहुत ज्यादा इधर फूल लगेंगे। दोस्तों अभी का सीन कुछ ऐसा है, हमारी ना बकरियां गुम हो गई यार, पता नहीं कहाँ चली गई, मोहल्ले वालों की बकरियों के साथ भेजी थी। अभी वो घर आए दादाजी लेके, और बोल रहे कि है ही नहीं बकरियाँ। बाकी मैं कुछ ऐसे ऐसे जंगल में आया हूँ यार ढूंढने, ऊपर नहीं जा सकता यार, मेरे को जानवर जुनवरों का डर है। देखता हूँ यार इधर, और काफी ज्यादा ना धुंध पड़ी है यार, देखो धुंध कितनी ज्यादा पड़ी है, कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। और दोस्तों विपिन भी सब जगह कॉल कर रहा है, जो उस तरफ से पशु आते हैं नाले की उस तरफ से, उनके उधर तो गई नहीं है, विपिन ने सब जगह पूछ लिया। दोस्तों अभी मम्मा भी आ गई है देखो ढूंढने बकरियां, बहुत ज्यादा टेंशन हो रखी मम्मा को भी, अब मेरे को उधर जाना पड़ेगा हमें शमशान घाट। बाकी मैंने अपने चाचा को बुलाया कि आप चलो हमारे साथ। मम्मा क्या करना है? तो दोस्तों फाइनली यार बकरियां हम लोगों ने ढूंढ ली है, बाकी चाचा जी भी आ गए यार हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया यार चाचा जी का। ये देखो इधर है बकरियाँ, और दोस्तों इधर ना खा लेता इसको कुछ है, वो खा लेता इनकी बकरियाँ खाई थी इधर, कम से कम पता कितनी खाई थी दोस्तों, 10-15 बकरी खाई थी चीते ने इधर। और ये देखो दो है, ले 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 ले, थैंक गॉड यार भगवान का शुक्रिया दोस्तों मिल गया। चलो बंद बांधो, मैं मारो मत बच्चा उसके पेट में, आओ फिर बांध के, ठीक है मैं चलता हूँ घर। दोस्तों दादी पता क्या बोल रही थी कि घर आओ घर, बोला था मैंने ऊपर है बकरियाँ, जहाँ इनकी बकरियाँ खाई थी उधर थी टंकी पे, टंकी पे ऐसे ही मिल गई। ये बहुत सारी दिक्कतें होती रहती हैं दोस्तों पहाड़ों में यार, तो अब खाना भी खाएंगे मजे से, पहले मैं चादर डालूंगा, और देखो मेरे क्या मैंने बिस्तर की हालत करके रखी है, अब बस उल्टी डाली है। दोस्तों फाइनली रात के 8 बज चुके हैं, और खाना खाने का भी टाइम हो गया है, और मम्मा ने देखो सारे बर्तन धो दिए मेरे लिए। मम्मा काफी ज्यादा उधर से आवाजें लगा रही थी कि खाना खाने आ जा, बाकी मैं थोड़ा फोन में घुसा था, घुसा नहीं था एडिटिंग कर रहा था। तो अब खाना खाते हैं मस्त वाला, और खाने में ये खिचड़ी खाचड़ी है तो इसको खाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं गाइस सोने। तो आई होप कि आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा कल आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।